क्या आपने कभी ये सोचा था कि हमारे चांद पर कभी जंग भी लग सकता है? सुनने में काफी अटपटा सा लगता है, लेकिन ये बिल्कुल सच है दोस्तों, और इसका पता हमारे चंद्रयान 1 के द्वारा ली गई तस्वीरों से चला है। हमारे प्यारे से चांद पर जंग लगने का कारण है ऑक्सीडाइज आयरन के कण हेमेटाइट का चांद की सतह पर मिलना, जो कि लौह तत्व है। हमारी पृथ्वी पर तो ये भरपूर मात्रा में मिलने वाला खनिज है, लेकिन चांद पर इसके अवशेषों का मिलना काफी चौंका देने वाला है, क्योंकि लोहे को जंग लगने के लिए हवा और पानी यानी कि नमी की जरूरत होती है, जो चांद पर तो नामुमकिन ही है। हालांकि हमारे चंद्रमा पर वैज्ञानिकों को आइस वाटर के प्रमाण तो मिल ही चुके हैं, लेकिन सिर्फ उससे हेमेटाइट नहीं बन सकता। साइंस एडवांसेस में प्रकाशित यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई की रिसर्च के मुताबिक चांद की सतह पर हेमेटाइट की खोज भारत के चंद्रयान 1 के ऑर्बिटर के द्वारा ली गई तस्वीरों से हुई है। यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई के विशेषज्ञ शुवाई ली का कहना है कि चांद की सतह पर हेमेटाइट का मिलना हमारे लिए बहुत ही आश्चर्य की बात है, क्योंकि पृथ्वी का यह उपग्रह लगातार सूर्य की सोलर विंड्स को झेलता है। इस सोलर विंड्स के साथ हाइड्रोजन के परमाणु कण होते हैं, जो चांद की सतह पर इलेक्ट्रॉन को छोड़ते रहते हैं, जिससे चांद पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा काफी ज्यादा रहती है, जबकि आयरन ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया सिर्फ इलेक्ट्रॉन के घटने पर ही हो सकती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि चांद पर लोहे के कण सबसे ज्यादा वहीं पर मिले हैं जहां पहले बर्फ के भंडार हुआ करते थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि उल्का के टकराने की वजह से चांद की सतह के नीचे की बर्फ पिघलकर ऊपर आ गई होगी, जिससे वहां पानी के कण पैदा हो गए। जांच में यह भी पता चला है कि पृथ्वी के वायुमंडल का ऑक्सीजन सोलर विंड के साथ चंद्रमा तक पहुंच जाते हैं। चांद पर ऑक्सीजन के कण पहुंचने से वहां ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होने लगती है, जिससे चांद पर लोहे के कण बनने लगते हैं, और यही वजह है कि चांद पर जंग लगने के प्रमाण मिले हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।